प्रारंभ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वृंदावन जाते हैं या फिर ब्रजमंडल जाते हैं तो समय के अभाव में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो कहीं पर कथा हो पाती है, कहीं पर कथा नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक कलेक्शन बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए तो उसके बारे में उसको ब्रीफ में उसको पता चल जाए। इंटरनेट पे मैंने देखा तो वो भी कोई विशेष इस तरह से अवेलेबल नहीं है। सब जगह पर बस ऐसे है कि कहीं छोटे से बताया, कहीं 3-3 घंटे के लेक्चर दिए गए हैं और उसमें फिर ये बताया गया है कि शुरू से मतलब बताया गया है कि जब कोई श्रद्धा भक्ति साधु संग भजन क्रिया इस तरह से सबको हरि नाम का जब अवश्य करना चाहिए, प्रचार बहुत आवश्यक है, ये सब चीजें बताते हुए फिर धाम का महात्म्य जो है वो उतना नहीं रह जाता। तो जो जगह पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसको पता ही नहीं चल पाता कि मतलब उसको थोड़ा सा बताया, जैसे गोविंद कुंड तो थोड़ा सा बताया जाएगा कि यहाँ पर अभिषेक हुआ था बस, बाकी बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई इसलिए शुद्ध भक्ति करना बड़ा आवश्यक है, अच्छी बात है, पर एक कलेक्शन ऐसा होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और तो इसको हम पढ़ेंगे, आप इसको देखिएगा किस तरह से ब्रज मंडल का क्या स्वरूप है, ब्रज मंडल क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज ब्रज मंडल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा कि क्या है ये ब्रज। तो सबसे पहले तो ये वर्ड आता है ब्रज, ये व्रज का क्या मतलब है? तो ऐसा शास्त्र में कहते हैं कि व्रजति गच्छति इति व्रजः, मतलब आना जाना जहां लगा हुआ है वही व्रज। तो किसका आना जाना लगा हुआ है? नंद बाबा, गाय, बछड़े, इन सब का जो आना जाना लगा हुआ है। तो जिन जिन स्थान पे नंद बाबा आने जाने जाते समय रहे हैं, तो एक तरह से नंद बाबा इत्यादि जो थे वो एक बंजारे के जैसे सारा जो रहन सहन था वो था, और गायों को लेकर के इस स्थान से उधर जाना, उस स्थान से इधर जाना, इस तरह से वो रहते। या फिर व्रजंती गावः यस्मिन् इति व्रजः, जहां पर गो गोपाल गोप गोपियां इत्यादि विचरण करते हैं उसको व्रज कहा जाता है। तो ये जो व्रज धाम है, ये जो ब्रज मंडल है, यहां पर भगवान सदैव विराजमान है, यहां पर भगवान सदैव विराजमान है। तो इसीलिए विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन यहाँ पर लीला करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी नहीं, राधा रानी ये वर्णन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुण्या बट व्रज भुवो यदयम नलिल अंग्र गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गाह पालयन सह बल वणम यंच वेणुम विक्रीडयांचति गिरित्र रमार चिताग्रि। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 44वें अध्याय के 13वें श्लोक। ये ब्रज भूमि जो है ये बहुत पवित्र है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी देवी भी, रमा देवी भी, इन भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करती हैं, और वो चरण जो है यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, और ऐसे भगवान ऐसे ही वेश बदल के एक ग्वाल के जैसे यहाँ पर रह रहे हैं, बंसी बजाते हुए गाय चरा रहे हैं।
स्कंद पुराण में ये वर्णन किया गया है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानां पदद्वयम्। तो कह रहे हैं कि जहां जो भी कोई गुणातीत है, सतरज तम से ऊपर है, वो गुणातीत है, वो हर कण में व्याप्त है पूरे सृष्टि में। तो एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि सतरज तम से अतीत तो जो परब्रह्म है वो विश्व के कण कण में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उसे ही व्रज कहते हैं। तो इस तरह से भी वर्णन करें। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, सर्वोपरि गोकुल ब्रज लोक धाम, गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन धाम, वृंदावन नाम। अतः गोकुल ब्रज गोलोक तथा वृंदावन को पर्यावाची माना गया है। श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग निजजन श्री रूप गोस्वामी ने श्री भागवतामृत नाम के एक ग्रंथ में गोकुल और गोलोक के सारी शंकाओं को दूर किया है, और उसमें वो कह रहे हैं कि यत्तु गोलोक नाम सत स्यात्तच्च गोकुल वैभवम तादात्म्य वैभवत्वं च तस्य तन महिमोन्नते। कि गोकुल का तादात्म्य वैभव ही गोलोक है। वृंदावन और गोकुल व्रज दोनों को ही कहा जाएगा। तो ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम तत्कर्णिकार तद्धामम तदंताश संभवम। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये श्लोक यूज किया है और कहा है कि विरजा के उस पार, विरजा नदी के उस पार, वहां पे त्रिपाद विभूति स्वरूप महावैकुंठ या फिर परव्योम धाम नित्य अवस्थित है। उसके ऊपर अनंत जो है गोकुल गोलोक इत्यादि सबसे ऊपर जो है वो स्थित है। तो इस तरह से जो है ये वर्णन मिलता है कि किस तरह से अर्थ ये कहते हैं, यथा क्रीडति तद भूमो गोलोके अपि तथैव सः। तो कह रहे हैं कि भगवान जैसी लीलाएं करते हैं वहां गोलोक में, वैसी ही गोकुल में भी करते हैं। तो गोलोक और गोकुल में कोई भेद नहीं है। तो बस इतना ही अंतर है कि वो गोलोक में है और ये धरती पे है, बस। अदरवाइज गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं। तो और भगवान ने इसका वर्णन, जीव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है, श्री वृंदावनस्य प्रकाश विशेषो गोलोकत्वम तत्र प्रापंचिक लोक प्रकट है लीलावकाशत्वे नाव भासा मानः प्रकाशो गोलोक इति समर्थ नियम। पर किया भावे अति रसे रह उल्लास ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। कह रहे हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ समय तक भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं या गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, उसके बाद फिर वो मथुरा चले जाते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो दोनों ही लीलाओं को नित्य मानते हैं। तो व्रज में क्या है, परकीय रस की प्रधानता है। कविराज गोस्वामी ने कहा है, अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे ब्रजेर सहित हया कृष्णेर प्रकाशे। तो इन्होंने ये श्लोक में कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ब्रजेर सहित, इस पद से ये जो है ये वर्ड जो वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रजेर सहित है नहीं, गोलोक धाम में ब्रज एक बहुत ही मधुर पीठ है, ऐसा वो कह रहे हैं।
ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम या गोलोक के संबंध में कहा गया है, श्री कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरु, इस तरह से बताया जाता है, अंतिम में इसके बारे में बताया जाता है, जहां परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है, उन्हीं की स्वरूप भूता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी जो है वो कांता है, तो इसके बारे में यहाँ पर वर्णन। ठीक है, इतना हम आज चर्चा करेंगे, अभी बहुत लंबा चर्चा नहीं करेंगे, इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने थोड़ी सी चर्चा भी चंद्र घोष स्वामी जी के बारे में भी की है, तो इसको हम अभी यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन इसको आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी को पता ही नहीं होता है, वृंदावन जाते हैं घूम के आ जाते हैं, उनसे पूछो कि बताओ भैया पुछरी के लोटा का मतलब क्या है, बस यात्रा बड़ी अच्छी थी हमारी, तो चाउमीन खा लिया हमने तो ऐसे नहीं होगा, पता नहीं चला ना वो क्या हुआ यात्रा में, हम कहीं नहीं गए, हाँ बस आपने देखा कि हम चाउमीन खा, या फिर घूम के चले आए बहुत देर तक, बस प्रभु जी सुबह से लेके शाम तक चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे, रुकते कहीं नहीं थे, तो ये हुआ वृंदावन यात्रा ये भी नहीं करना है, जिसलिए मैं ये ले रहा हूँ, अब जब भी आप कहीं पर जाएंगे तो इसको राणा पटेल प्रभु जी इसको डाल देंगे, तो जहाँ आप कहीं भी आप जाएंगे व्रत में जब भी जाएंगे तो इसको बस आप ऑडियो लगा करके सुन सकते हैं, उससे आपको सारे के स्थानों का एक एक छोटा छोटा क्लिप, हाफ एन आवर का क्लिप मैं सोच रहा हूँ सबको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी प्रतिदिन आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रतिदिन हम एक पूरा पूरा कंपाइल कर लेंगे इसको, अगले 20 दिन में कोशिश करेंगे, या फिर थोड़ा समय ज्यादा भी लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिटेल में करेंगे, ताकि कि कोई अगर पीली पोखर जाए तो तुरंत वो ऑडियो सुन ले, ताकि उसको पीली पोखर के बारे में थोड़ा पता चले, ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु कृष्ण जी, थैंक प्रभु यू जी, सो मच दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी, प्रभु प्रभु जी। जी।